माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। नियम 193 के तहत आपने देश में महिलाओं की समस्या पर मुझे बोलने का मौका दिया। महोदय, ये एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि अगर किसी देश के समाज और संस्कृति को अगर समझना है, तो सबसे आसान तरीका है आप उस देश की महिलाओं की स्थिति पर निगाह डालें। जैसा कि हम जानते हैं, महिलाएं किसी भी समाज और संस्कृति के मानदंड के लिए दर्पण के समान होती हैं। वात्सल्य, स्नेह, कोमलता, दया, ममता, प्यार, बलिदान जैसे आधार पर ही सृष्टि खड़ी है महोदय, और ये सभी गुण अगर एक साथ स्वाभाविक रूप में किसी में मिलते हैं तो वो नारी है। कहते हैं न अरि न यस्य कोऽपि अरि, जिसका कोई शत्रु नहीं है वो नारी है। अध्यक्ष महोदय, जीवन की समस्त रसधारा उसी पर आधारित है, और उस सृजन वही माता करती है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा वर्तमान इतिहास पर खड़ा होता है, और यदि हम अपने इतिहास की ओर नजर नहीं दौड़ाएंगे तो वर्तमान का ठीक ठीक आकलन नहीं कर पाएंगे। अध्यक्ष महोदय, हम हड़प्पा और वैदिक समाज के साक्ष्यों पर यह कह सकते हैं कि उस काल की महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। महिलाएं वैदिक काल में सभाओं में बैठकर राजनीतिक निर्णय लिया करती थी। विवाह संबंधित स्वतंत्रता भी उनको थी। अध्यक्ष महोदय, गार्गी, घोषा, अपाला, मैत्रेयी जैसी विदुषियां ये घोषित करती हैं कि उनकी स्थिति समाज में उस समय पुरुषों के समान थी। बुद्ध के समय में भी महिलाओं को संघ में सम्मिलित होने का की छूट थी, लेकिन उन स्थितियों में गिरावट की शुरुआत अध्यक्ष महोदय गुप्त काल में दिखाई पड़ने लगी थी। और चूंकि यह काल सामंतवाद के शुरू होने का काल था, तो इसी काल में 510 एडी में एरन अभिलेख सागर जिला मध्य प्रदेश में सती प्रथा का लिखित साक्ष्य मिलता है। अध्यक्ष महोदय, यानी सामंतवादी प्रथा ने उनको सामंतों की निजी संपत्ति के रूप में समझ लिया था। बाद में मध्यकाल की राजनीतिक अस्थिरता और युद्ध के वातावरण ने महिलाओं में प्रदा प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या आदि जैसे अभिशापों से ग्रसित कर दिया था। हालांकि मध्यकाल के भक्ति संतों ने उनकी स्वतंत्रता की आवाज तो उठाई थी, मगर उनकी स्थिति पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ पाया था। बाद में 18वीं शताब्दी में भारत अंग्रेजों का गुलाम हो गया और सामंतवाद अध्यक्ष मौजे चरम सीमा पर पहुंच गया, और उनकी स्थिति बद से बदतर होती गई। कुछ भारतीय बुद्धिजीवियों जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फूले, स्वामी दयानंद सरस्वती आदि ने महिला शिक्षा, सती उन्मूलन आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए। दूसरी ओर गांधी द्वारा निर्देशित राष्ट्रीय आंदोलन ने कई अध्यक्ष मोदी मैंने अभी प्रारंभ किया प्लीज प्लीज कई महिला आंदोलनों को जन्म मिला, और ये सारे कार्य कुछ शुरुआती कदम भर से ज्यादा कुछ नहीं बन पाए। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आप बहुत सारगर्भित बोलते हैं, और वही सारगर्भित बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। अंततः 1947 में भारत आजाद हुआ अध्यक्ष महोदय, और महिलाओं को पुरुषों के बराबर समान अधिकार दिए गए। जैसे महिलाओं को समान अधिकार अनुसूची 14, राज्य द्वारा कोई भेदभाव नहीं अनुसूची 15(1), अवसर की समानता, कार्य की समानता, समान वेतन और गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं पर रोक, दहेज उन्मूलन कानून आदि। हालांकि इन कानूनों ने महिलाओं की स्थिति में थोड़ा सुधार तो किया अध्यक्ष महोदय, लेकिन उनकी स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो पाया। तभी तो 70 के दशक के उत्तरार्ध में महिला आंदोलनों ने महिला शक्तिकरण के लिए जोर पकड़ा अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये महिला आंदोलन दो कारणों से भटकाव की स्थिति में आ गए। पहला, ये आंदोलन महिलाओं द्वारा शुरू किया गया और पुरुष वर्चस्व की लड़ाई में अपनी आजादी पाने की बजाय अपनी पहचान ही खो बैठा अध्यक्ष महोदय।
दूसरा कुछ महिला आंदोलन पश्चिमी स्त्रीवादी आंदोलन की छाप पर चल पड़े, क्योंकि उनका नेतृत्व अभिजात वर्ग के लोग कर रहे थे और ये अभिजात होने का मतलब पश्चिम होना था। अध्यक्ष महोदय, महिला शक्तिकरण का मतलब महिला स्वच्छंदता हो गया था अध्यक्ष महोदय, और भारतीय महिलाओं की मूल समस्याओं से लड़ने की बजाय भारतीय संस्कृति से ही उनका टकराव होने लगा था। उधर 90 के दशक में आया आर्थिक उदारीकरण महिलाओं के लिए नई समस्याओं को लेकर आया। अध्यक्ष महोदय, आर्थिक उदारीकरण ने महिलाओं को रोजगार के अवसर तो दिए, मगर उनके कार्यस्थल पर उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ गई। हालांकि सरकार इसके लिए कानून भी लाई, पर लगातार कार्यस्थल पर उन पर हो रहे हमलों ने हमारी चिंता को और भी बढ़ा दिया। सबसे चिंतनीय बात यह है, ऐसी खबरें उन स्थानों से भी आने लगी जहां महिलाएं उच्च पद पर आसीन थी, और अभी हमारी बहन गीता ये बात आपके सामने साक्ष्य के रूप में कह रही थी। अध्यक्ष महोदय, आर्थिक उदारीकरण या पूंजीवाद का दूसरा कुप्रभाव पड़ा अध्यक्ष महोदय कि महिला के शरीर का इस्तेमाल सामान बेचने के लिए विज्ञापनों के रूप में होने लगा। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आगे सरकार आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया पर जोर देने जा रही है अध्यक्ष महोदय, इसलिए इन समस्याओं के और विकराल होने की अधिक आकांक्षा बन रही है। महिलाओं को अगर सशक्त करना है तो मेरा मानना अध्यक्ष महोदय कि महिलाओं को देश की आर्थिक प्रगति में भागीदार बनाया जाए। आज उनकी देश के सरकारी महकमे में भागीदारी कम है, उनको ज्यादातर रोजगार अनौपचारिक क्षेत्रों में मिले हैं। दूसरा, उनमें कौशल के विकास की कमी है, इस कारण अध्यक्ष महोदय वह उपकर्मी नहीं बन पाई हैं। इन सब कारणों से उनका आर्थिक शोषण होता है। अध्यक्ष महोदय, आजकल एक नया प्रचलन कृषि के क्षेत्रों में देखने को आया है, पुरुष कमाने के लिए शहर चला जाता है और महिलाओं को खेती के काम गांव में संभालने पड़ते हैं। अध्यक्ष महोदय, कृषि में भी उनके लिए अधिक कौशल, कृषि कौशल बढ़ाया जाए उनमें, ये भी एक मूल मुद्दा होगा। बस दो मिनट में अपनी बात खत्म करती हूँ। ये खुशी की बात है अध्यक्ष महोदय, दो मिनट, ये खुशी की बात है, पिछले दशक में महिलाओं की साक्षरता की दर में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई, पर अफसोस की बात यह भी है कि उनकी शिक्षा में ही वृद्धि हुई। साक्षरता केवल पढ़ने लिखने लायक बनाती है, जबकि शिक्षा उनको सुनने और निर्णय लेने की क्षमता की आजादी देती है, जो किसी के भी शक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम होता है। अध्यक्ष महोदय, हालांकि महिलाओं पर होने वाली हिंसा की रक्षा के लिए सरकार ने विभिन्न कानून बनाया अध्यक्ष महोदय, जैसे घरेलू हिंसा से रक्षा हेतु कानून, सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट पर बैन लगाना, बलात्कार के लिए कड़े कानून बनाना, उन्हें संपत्ति में पुरुषों के बराबर हिस्सा देना, पर कानून बनाने के बाद भी दलित महिलाओं के साथ बदायूं में हुए बलात्कार जैसी शर्मसार घटनाएं रोज तेजी से बढ़ रही हैं अध्यक्ष महोदय। अतः मैं सरकार से आग्रह करना चाहती हूँ, इस समस्या के समाधान के लिए केवल कानून बनाना भर पर्याप्त नहीं है अध्यक्ष महोदय, इसके लिए कुछ कड़े कदम उठाने की जरूरत है। जैसे इन सारी समस्याओं की जड़ में पुरुषवादी सामंती सोच है अध्यक्ष महोदय, और उसको कैसे बदला जाए इस पर भी चर्चा होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। हमने देखा है कि दहेज उन्मूलन कानून में आने के बाद भी दहेज प्रथा और दहेज के लिए हत्याएं हो रही है। अध्यक्ष महोदय, प्लीज प्लीज मैं बाइंड अप कर रही हूँ, प्लीज दो मिनट। मैं एक और अहम समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय, वे महिलाएं, वो है महिलाओं के लिए शौचालयों की कमी। महिला गांव में शौच के लिए अपने घर से निकलती है, उसकी अस्मिता हमेशा खतरे में पड़ी रहती है। बदायूं, बलात्कार कांड और न जाने कितनी ऐसी घटनाएं, शौचालय की व्यवस्था होती, सार्वजनिक और सुरक्षित शौचालय नहीं होने के कारण कामकाज के स्थल पर महिलाएं पानी कम पीती हैं और इसके कारण उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, स्त्रियों या महिलाओं के शक्तिकरण के संबंध में भारत की मानसिकता के बदलाव की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, मेरी तरफ प्लीज आप सुने, आजकल नए लेखकों ने महिलाओं को दुर्बल वर्ग, वीकर सेक्स,
अब समय कहकर संबोधित किया अध्यक्ष महोदय। आपका भाषण समाप्त। ये एक नकारात्मक शब्द है अध्यक्ष महोदय। नकारात्मक बदलाव को हमें बदलना होगा। यदि पुरुषों के पशुबल के आधार पर मजबूत या कमजोर वर्ग माना जाता है तब तो बात दूसरी है। यदि महिलाओं की तुलना दया में, क्षमा में आदि गुणों में की जाती है तो मैं कहूंगी महिलाएं स्ट्रॉन्ग सेक्स है, वीकर सेक्स नहीं है।